राजस्थान दिवस के मौके पर अजमेर को स्मार्ट सिटी के तहत 5 प्रोजेक्ट पूर्ण कर जनता को सौगात दी जाएगी। इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। अजमेर स्मार्ट सिटी की 29वीं बैठक आज अजमेर जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई। स्मार्ट सिटी सीईओ जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर निगम आयुक्त खुशाल यादव सहित स्मार्ट सिटी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में आगामी 30 मार्च को आयोजित राजस्थान दिवस के मौके पर स्मार्ट सिटी के 5 प्रोजेक्ट शहर की जनता के बीच शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी देते हुए खुशाल यादव ने बताया कि अजमेर में स्मार्ट सिटी के तहत 2 दर्जन से अधिक कार्य पूर्ण हो चुके हैं, वहीं कई कार्य पाइपलाइन में है। ऐसे में आगामी राजस्थान दिवस के मौके पर अजमेर में मसाला चौक, सूचना केंद्र स्थित ओपन एयर थिएटर, म्यूजिकल फाउंटेन, वेटनरी क्लिनिक और आनासागर फ्रंट लेक प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार कर शहर की जनता को सौगात दी जाएगी। इन सभी प्रोजेक्ट को लेकर मुख्य रूप से बैठक आयोजित की गई, साथ ही अन्य तमाम स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में गति लाने और जल्द से जल्द जनता को राहत देने के निर्देश दे दिए गए हैं। आज कैलेंडर की भांति 29th ये स्मार्ट सिटी का मीटिंग था जो सीईओ साहब की अध्यक्षता में किया गया, और इसके अंदर मुख्य रूप से ये डिसीजन लिया गया है कि 30 तारीख को जो अपना राजस्थान दिवस है उस दिन 5 प्रोजेक्ट्स जो हैं तैयार करके इनकी सौगात अजमेर वासियों को दी जाएंगी, जिसके अंदर मसाला चौक, उसके अलावा ओपन एयर स्टेडियम जो आपका सूचना केंद्र के अंदर है, म्यूजिकल फाउंटेन जो ओल्ड चौपाटी पे है, वेटनरी पॉलीक्लिनिक और फाइनली मित्तल के सामने जो लेक फ्रंट का गार्डन है। तो 30 तारीख को ये सारे तैयार हो जाएंगे और ये जनता को सुपुर्द कर दिए जाएंगे, ये एक मेजर डिसीजन लिया गया है। इसके अलावा जो हमारा जयपुर रोड पे यूटिलिटी शिफ्टिंग है इसके काम को गति दी जाए और जो टाटा पावर और पीएसटी की लाइन है उनको फटाफट शिफ्ट किया जाए, ये मुख्य रूप से डिसीजन है।